क्यों हम पर जानलेवा हमला कर रहे हैं? इन लोगों से हमारा क्या संबंध है? हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी है? क्या लगता है, ये जो फ्लैट दिखाई दे रहा है, हम वहां रहते हैं? ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो आपको चौल दिख रहा है, हम लोग वहां रहते हैं। लेकिन ये जगह किसी के लिए भी स्थायी नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ रहना अवैध है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। रोड पर अनाथ भटकने वाले हम लोगों को इस चौल की जनता ने ही बनाती है। अब ऐसी जनता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये सोचकर हमसे कभी कभार जितना हो सकता है उतनी मदद करते हैं। ये लीजिए, इस महीने के खर्च के लिए अपने पास रखिए। बच्चों, हमारे हालात बदलने का एक ही रास्ता है। क्या बात है भैया, बोलो ना। तुम सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी करोगे तो अच्छा कमा सकते हो। हाँ, तुम सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है? अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छा काम मिलेगा क्या? अच्छे से पढ़ाई करने से सब कुछ मिलता है। हम लोगों की बस एक ही ख्वाहिश है, यहाँ रहने वाली जनता के लिए एक स्थायी घर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कई बार गवर्नमेंट को पिटीशन डाल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। ये जगह स्थायी नहीं है, हमारी जिंदगी में चैन नहीं है। उसके बाद भी हम यहाँ की जनता के काम आ सके, इसलिए हम चारों ने एक नौकरी ढूंढ ली। ये वो ऑफिस है जहाँ नौकरी करता हूँ। इस ऑफिस में अगर अच्छी पोजीशन पर हूँ तो उसका कारण है मेरे साहब रामास्वामी जी। क्या बात है प्रिया बेटी, और तुम कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ डैडी। ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? क्या प्रॉब्लम होगी डैडी, अनमुख के रहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डैडी। मैं यह ज्यादा काम नहीं करती। ये क्या कह रही हो? सारा काम वो खुद ही देख लेता है। ये बात भी सच है बेटी, ऑफिस बॉय से शुरू करके जीएम बन गया है। अनबू ऑफिस आ गया है क्या? नहीं डैडी, हमेशा वो साइट पे जाने के बाद ही आता है। बेटी बोलिए ना डैडी। एक मिनट बेटी, वो 100 साल तक जिएगा। अनबू का ही फोन आ रहा है शायद, तुम थोड़ी देर वेट करो। ओके डैडी। सर, आपको जन्मदिन की बधाई हो सर। एक तू ही है जो हर साल बर्थडे याद रखता है और सबसे पहले विश करता है। बहुत खुशी हुई बेटा। सर, मेरी ये जिंदगी आपकी देन है, कैसे भूल सकता हूँ? एक चौल से उठकर आने वाले लड़के को आपने इतना बड़ा आदमी बना दिया। इतना बड़ा दिल किसका होता है? ये सब तेरी मेहनत और डेडिकेशन है बेटे। वैसे सर, मंदिर का काम कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। ठीक है सर, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है अनु। रिया बेटी, जीएम सर ने क्या बोला डैडी? आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है, इसलिए विश करने के लिए फोन किया था। सॉरी डैडी, इस बार मैं सबसे पहले आपको विश करना चाह रही थी, लेकिन वो आगे निकल गया। कोई बात नहीं, अभी विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू मेरी लाडली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, सभी लोग इधर आइए। गुना सर, यहाँ आइए, ये लीजिए। क्या सर, किस खुशी में मिठाई है? पहले खाइए फिर बताता हूँ। आज हमारे एमडी का जन्मदिन है ना। ठीक है ठीक है, ओके, गाने का प्रोग्राम हो गया, अब अपना काम कीजिए। ए छोटे, इधर आ। क्या दिक्कत है भाई आपको? हमारा जो अनबू है ना, हाँ, वो बहुत किस्मत वाला इंसान है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम लोगों को तो बाहर बुलाकर मिठाई दिया, लेकिन अभी वो अंदर जाकर क्या करेगा पता है? क्या करेंगे? ओपन योर माउथ। क्यों? कह रहा हूँ ना, मुंह खोलो। अरे दूर हटो, हमेशा ऐसे ही करते रहते हो। इस नौकरी को रिजाइन देकर फिल्मों के लिए कहानी लिखना शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग मैडम। डोंट कॉल मी मैडम, कॉल मी प्रिया। सॉरी मैडम, ये इतनी जल्दी बदल नहीं सकता है। बदल नहीं सकते? बहुत जल्दी बदल के दिखाती हूँ। स्वीट्स खाइए। इस बार भी मुझसे पहले मेरे पापा को विश कर दिया ना। सॉरी मैडम, मुझे लगा आपने विश कर दिया होगा। रियली सॉरी, लीजिए स्वीट्स खाइए। तुमने खाया? नहीं, क्या? मैंने खा लिया है, आप खाइए। अच्छा वो मैडम, क्या हुआ? VMR में 20 लाख डिपॉजिट करना है, यही बात है ना? हाँ मैडम। सर, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ सर, डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है मैडम। जल्दी चलना, टाइम हो गया है। तेरा क्या यार, थ्री स्टेशन का इंस्पेक्टर मेरा फ्रेंड है सर, वाइफ की दवा लेने के लिए आया था सर। करवाएगा क्या? ठीक है सर, फाइन भर के जा तू। हाँ।
फंस गया। साइड लगाओ। चलो चलो चलो। सर सर प्लीज सर, टाइम हो रहा है, अर्जेंटली जाना है। लाइसेंस कहाँ है? प्लीज सर। हेलमेट कहाँ है? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए जल्दबाजी में हेलमेट लाना भूल गई मैं। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने का नियम सुरक्षा के लिए बनाया, जाके फाइन भरो। ले लीजिए सर, प्लीज सर, ये पैसे लीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हारी जल्दबाजी और ये फायदा हम सरकारी लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, समझ गई ना? इधर अभी आया सर। ये बोला सर में भरेगा। ये अपनी गाड़ी लेकर उधर चल, जा जा, जा। हाँ? एक और फंसा। आजा, साइड लगा, रोक दे। अरे भाई कैसे हो भाई, बढ़िया ना? हाँ मैं बिल्कुल अच्छा ठीक भाई हूं। ये पुत्रम बलम मेरा नाम नहीं है, वो मैं पता तो खाली हूँ। पुत्रम बलम स्ट्रीट कैसे जाता है? अच्छा लेकिन तुम कौन? मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए पकड़िए, आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। सुबह मैं देवी के मंदिर गया था तो आपके लिए प्रसाद लेता आया। घर में सबको दीजिएगा, सबका भला होगा। ठीक है ना भाई, प्रसाद संभाल कर, ओके? भूलिएगा मत, सबको दीजिएगा, ठीक है ना? जाओ सर, निकलता हूँ सर। हाँ ओके ठीक है। घर पर सबको याद किया ऐसा बताना भाई। अरे ये कौन? सही में तुम दोनों के पास हेलमेट नहीं है? तुम दोनों फाइन भर के जाओ। मैं चलाती हूं। पहचान है उसको, जानता हूँ, ये कहकर बचकर निकलने की कोशिश मत करना। फाइन भरेगा तभी तुम लोगों को अकल आएगी। रुक जाओ, तुम लोग ऐसे यहाँ से कैसे जा सकती हो? क्या हुआ सर? बिना हेलमेट के वो आदमी आपको डिस्टर्ब करके चला गया, हाथ में ये पुड़िया थमा गया और हमें रोक कर रखा है। एक घंटे से हमें रूल्स का पाठ पढ़ा रहे हैं आप। ये कहाँ का नियम है बताइए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पहले से थोड़ा ऊपर। मैं सच में बेवकूफ बन गया क्या? ए काली सर, इधर आओ। क्या हुआ सर? उस लड़की को जानते हो? नहीं सर। ठीक है, इससे पहले जो किया वो तेरा जानने वाला था क्या? पता नहीं कौन था सर। तो फिर तू उससे क्या बात कर रहा भाई था? तो समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे एक पुड़िया दे दी और मैं फ्रीज होकर उसे देखता रह गया। अच्छा ऐसा है, तो तू एक काम कर, उस लड़के का और इस लड़की का फाइन तो अपनी सैलरी से भर देना। क्यों, देखा ना तुमने, वो कितने स्मार्टली बचकर वहाँ से निकल गया। ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? भाइयों और बहनों, अखबार फटे पुराने सामान लेने वाला आ गया। ये है सदा, ये ट्राईसाइकिल से घर घर जाकर भंगार का सामान आ गया। सही कीमत पर अपना भंगार का सामान बेचे और पैसे कमाए, आपका भंगार लेने वाला आ गया। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, रुको भाई, रुक जाओ, बोतल और बाकी के सामान बेच कर जाइए और पैसे ले। ये क्या पुराने अखबार हैं क्या? और नहीं तो क्या, नए अखबार दूंगा। तुमने जो पेपर दिया वो सिर्फ 2 किलो का है, कुल मिलाकर 20 रुपए हुए। बस इतना ही भाई? भंगार का कोई भी सामान ले लोगे क्या? हाँ ले लूंगा भाई, जाइए लेकर आइए। कुछ भी हो जाइए लूंगा, कहीं जाना मत आता हूँ। जाओ ना, 10 रुपए दे रहे हो क्या? ठीक है आगे इतना नहीं चलेगा। अरे इसका वजन करके पैसे दे दो। मैं भंगार को वजन करके देता हूँ, ऐसे पुराने पीस को वजन नहीं करता। ये पुराने पीस को वापस लेकर जाओ। देखा, क्या कोई तुम्हें किलो के भाव लेने को तैयार नहीं है? कुछ भी अरे आराम से चलिए ना। अरे बाप रे, सुनो, जितने इनका वजन है ना उतने ही पैसे लूंगी। ये क्या है दीदी? तुमने ही तो कहा था घर का जो बेकार सामान है उसे लेकर आओ, मैं खरीद लूंगा। हाँ तो 20 साल से ये आदमी किसी काम का नहीं है। भाइयों आप एक कदम होशियारी से रहना, कल तुम्हारी भी यही स्थिति होने वाली है। देश की सेवा कर रहे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन घर वाले की सेवा जरूर करें। सदाब और यहाँ रहा तो हो जाएगा स्वाहा। ये है मुदन, ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता है। हेलो सर, ऑर्डर आ गया आपका। हेलो सर। अमुदन सुरभि, अंदर आओ। सर आप यहीं ले लीजिए, और भी ऑर्डर भाई। अरे अंदर आओ भाई। सर मुझे 400 दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है सर। 400 हो गया या 500 हो गया, तुम अंदर आओ, चलो आओ। अरे बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आओ ना, चलो आ जाओ। सर और भी डिलीवरी देनी है। अरे अंदर आओ, ये भी तो डिलीवरी है ना। बड़ा भाई जो बोल रहा है वो तो सुनो, अंदर आने से मना कर रहे हो। बैठो, खुली जगह में खुली हवा मिलेगी। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बैठ गए हो ना तो बैठो ना। अरे टाइम नहीं है, मुझे और भी ऑर्डर देना है। देखो भाई तुम शर्माओ मत, तुम भी मेरे साथ खाओगे, इसीलिए मैंने 2 पार्सल मंगवाए। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। भाई आप चिल्ला क्यों रहे हो? आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो गलत समझेंगे। कोई कुछ भी समझे यार, मेरी बीवी नहीं है, उसकी कमी तुम ही तो पूरी करते हो। ये क्या करो तुम? हाँ भाई, इतने दिनों से तुम ही तो मुझे खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें खाना खिलाऊंगा। खा लो मेरे लाडले।
भाई भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखा पड़ा रहूंगा। वैसे आपकी वाइफ को हुआ क्या है? वो मुझे छोड़कर भाग गई है। किसके साथ भाग गई? वो मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास भाग गई। तो ये बात पहले बताते, खामखा मुझे पकड़कर परेशान कर रहे हैं। वो आपको छोड़कर वहाँ क्यों गई है? वहाँ पड़ोस में एक औरत आई है, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई है, इसीलिए मैं धीरे धीरे उसके करीब चला गया। तब मेरी बीवी मुझसे बार बार कहने लगी कि तुम उसके साथ ज्यादा रिश्ते मत बढ़ाओ, लेकिन मैं धीरे धीरे डीप में चला गया। उसके बाद क्या हुआ तुमको पता है? वो मुझे कट करके अपनी माँ के घर भाग गई। अरे छी, तू भी कोई इंसान है क्या? तुझे तो जान से मार देना चाहिए। बीवी के होते हुए पड़ोसन को देखता है तो कौन तेरे साथ रहेगा? जाके बीवी को वापस लेके आओ, तुझे खाना बना के खिलाएगी। कल मैं फिर वापस आऊंगा। वैसे ये पड़ोसन है कहाँ? पड़ोसी के साथ भाग गई। अरे छी, अबे तू कैसा इंसान है? तेरे साथ भला कौन रहेगा? तेरे साथ बैठा तो मुझे पाप लगेगा। अरे खाना छोड़कर मत जा भाई, कल मैं दोबारा वापस आऊंगा। अगर मेरी बहन मुझे यहाँ नहीं मिली तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, समझा? ये है सेल्वम, यहाँ का ऑल इन वन यही है, लेकिन हाँ ये ओनर नहीं है। तेरा पति कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है। मुझे पैसे चाहिए, उसे आने को बोलो। क्या रे, आजा आजा, तू तो ठीक है। भाई दो दिन की मोहलत और दे दो, काम पर जाते ही पैसा लाकर दे दूंगा। कोई मोहलत नहीं, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। भाई जब पैसा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से दूंगा, थोड़ा और टाइम दे दो भाई। क्या रे, तेरा हर बार का यही नाटक है। घर में कौन कौन है? भाई मेरी बीवी, बच्चे और मेरी माँ है। भाई उन लोगों को मेरे मालिक के घर भेजेगा क्या? भाई ये आप कैसी बात कर रहे हो भाई? भाई 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 क्या लफड़ा चल रहा है? कुछ नहीं भाई, इधर एक कहानी चल रही है। ये जब मुसीबत में था तब पैसे लिए थे, पैसे लेते समय इन्हें मीठा लगता है और जब पैसे देने होते हैं तो इन्हें कड़वा लगता है ना? तीन दिन से टरका रहा है मुझे। नहीं अनबु, तीन दिन से मेरी तबीयत खराब है, अभी ये पैसे के लिए जिद कर रहे हैं। अभी मैं पैसा कहाँ से दूंगा? पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो कह रहे कि घर की औरत को मालिक के पास भेज दो, ये कैसा न्याय है अनबू? ए क्या रे, आदमी के आते ही तेरी आवाज ऊंची हो गई। यार हम बात कर रहे हैं, हाथ क्यों उठा रहे हैं? तू मेरे ऊपर हाथ लगाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है, बेवजह दखल मत देना। ये मैंने जो पैसे दिए हैं उन पैसों से खाना खा रहा है, ठीक है? और मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है, गलत कहा क्या? सही कह रहे हो भाई, लेकिन जो आपने पैसा दिया है उनसे ये खाना नहीं खाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उससे जो पैसा आता है वो आपको ब्याज दे देते हैं, और उसमें से जो पैसे बच जाते हैं उसे ये खाना खाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इन्हें पैसे देकर ब्याज के नाम पर लूट रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। क्या बोला तू? अनबू, अरे अनबू, यारे हमारे एरिया में आकर अनबू पर हाथ उठा रहा है, जल्दी कर। हे तक्की 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 भाई को मेरे भाई को मेरे भाई, क्या बात है? स्टाइल मारो तो बन जाए शॉट रे, अपने गैंग में है नहीं कोई डॉन रे, हम छुएंगे तो मिस नहीं होगा बोल, अपने लिए यारो शॉट ही है टबल। नाम बदनाम है बदलना, अपनी लाइफ को अब ऊपर ही है चढ़ना, सफरी गिरी जो यहाँ करेगा इस चाल में वो नहीं अब रहेगा। कान खोल के सुन ले, अरे बेवकूफ, पैसा ना हो पर संभाल लेते हैं, अरे हम बस प्यार ही बांटते हैं, आँख दिखाए कोई शांत रहे, अरे पिठ पे वार करे फाड़ देते, बदलेंगे ना हम जो ढेरों दौलत भी आ जाए, नहीं करते हम बुराई झोपड़पट्टी वाले भाई, दिल के हम है राजा हमें समझना फकीर, हम तो ऑटो से भी उतरेंगे तो दिखेंगे अमीर। स्टाइल मारू तो बन जाए सीन रे, अपने गैंग में है नहीं कोई डॉन रे, हम छुएंगे तो मिस नहीं होगा बोल, अपने लिए यारो शर्ट ही है टबल। जियो जियो रे
जियो जियो हाथ उठाए कोई नहीं रुकेंगे, सुन लो घर हो गए खड़े नहीं झुकेंगे, हम कचरा भी दिल के टुकड़े बनेंगे, सुन लो दिन बदलेगा लोग याद करेंगे, हम भले गरीब मगर सबसे खास है, नहीं बॉस कोई अपना हम तो खुद ही बॉस है, आजमा के देख ले कोई भी हमें यार, कितने बेकार हैं हम कितने होशियार, स्टाइल मारू तो बन जाए सिंगर, बोलो भाई हम छुएंगे तो मिस नहीं होगा बॉल, अपने लिए यारो शर्ट ही है टबल, नाम बदनाम है बदलना, अपनी लाइफ को अब ऊपर ही है चढ़ना, छपरी गिरिया जो करेगा अपनी चाल में वो नहीं अब रहेगा। अरे बाप रे, सर नमस्ते सर। झुक झुक जी हो, झुक बैठिए ना सर। सर चाय कॉफी? मैं यहाँ आने से पहले पीकर आया हूँ, मुझे इस ऑफिस में एक जरूरी काम था इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। आप पहचान रहे हो ना कि मैं कौन हूँ? आपको कौन नहीं जानता सर, इस वार्ड से एमएलए के इलेक्शन के लिए दो बार आप खड़े हुए हैं, कैसे कोई नहीं जानेगा? क्या ये मैं दो बार इलेक्शन में खड़ा हूँ इस बात की तारीफ कर रहा है, या फिर मैं दो बार खड़ा होकर हार गया इस बात का ताना दे रहा है? सर हमारे पास बहुत अच्छी एक डील है सर, एक 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे रुको, क्या? रुको, भाई भाई आपने अपना नाम क्या बताया? सर अंबू सर। देखो अंबू भाई, मैं यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आया हूँ, एक्चुअली प्रॉपर्टी बेचने आया हूँ। ओके सर। देखो भाई, मैं ये प्रॉपर्टी खुद भी बेच सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग मुझसे आके खुद ही खरीद लेंगे, लेकिन उनके सामने मैं सीधी बात नहीं कर सकता, मैं जो अमाउंट चाहता हूँ मेरे हाथ भी नहीं आएगा। सर आप चिंता मत कीजिए, आप सेटिस्फाइड होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा सर वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको मेल करवाता हूँ मैं। ओके सर। इस प्रॉपर्टी को आप खुद ही रख लो, या फिर किसी और को बेचोगे तो भी चलेगा, अगर तय हो गया तो तुरंत इस नंबर पे मुझे कॉल करना। जरूर सर, आप सैटिस्फाइड होंगे। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके सर। जुग जुग जियो। ठीक है जाके अपना काम करो। जी ठीक है। हाँ अनबू बोलो बेटे। सर वो राजंगम सर यहाँ पर आए थे। कौन राजंगम? दो बार एमएलए के इलेक्शन में खड़े हुए थे। वो क्या? हाँ सर वही हमारे ऑफिस आए हुए थे। ऐसा क्या, क्या बोले? सर मैंने सोचा कि वो प्रॉपर्टी लेने आए हैं, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी बेचने आए थे सर। पॉलिटिशियंस प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते नहीं है, और वे बेचने की बात करने आए थे। अच्छा प्रॉपर्टी कहाँ है? सर वो अपने पूर्व के पास है सर। अनबू हमारा पहले से वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ सर। एक काम करो, हमारे सेठ जी है ना कृष्णमूर्ति जी, उनसे बात करके देखते हैं। मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ सर। दोनों पार्टियों से बात कर लो, सौदा ठीक हो तो मुझे बुला लेना। थैंक यू सर। सर वो फाइल का क्या? हाँ ये देखो, लास्ट टाइम एक क्लाइंट आए थे ना। हाँ। उस क्लाइंट ने उसी चीज को ओके किया है। ओके। और ये देखिए यहाँ पर। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? आरआर कंपनी से ऑर्डर आएगा तो यहीं पर आऊंगा ना मैं। हाँ किसने ऑर्डर किया? एक्सक्यूज मी कौन है यार? ये कौन है? एमडी यार। नमस्ते मैडम। मैंने ऑर्डर किया है। आपके लिए भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। अरे मैडम मैं घर से लंच लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं आप खा लीजिए। थैंक्स। ये सब नहीं चलेगा, खाना खाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो, अपने फ्रेंड को छोड़कर कैसे खाओगे यही सोच रहे हो क्या? ये आपका फ्रेंड है मुझे पता है। ओह ये तो फुल अपडेट है। चलो ना साथ में मिलके खाते हैं। अरे मैडम आप भी ना यार, तू जाके खाना, मैं बाहर जाके कुछ ना कुछ खा ही लूंगा। चलो ना साथ में खाते हैं। अच्छा सुनो मैडम, आज घर से लंच में क्या लेकर आए हो? वो खाना मैं खाऊंगी, ये आप खा लो। लो ना खा लो ना।
अरे मैडम, ये बासी खाना है, आप रहने दीजिए, दही वगैरह खट्टा होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप ये खाइए प्लीज मैडम। खाओ ना प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। दही चावल मुझे बहुत पसंद है। गौतम जी मैडम, सर का लंच यहाँ लेकर आओ। जी ठीक है। अरे मैडम प्लीज मैडम, मुझे ये पसंद है ना, आप प्लीज ये मत खाइए। आप ये खाना खाओ। आप खाओ एक काम कीजिए, उसे मैं खा लेता हूँ, आप लोग ये खा लीजिए। नहीं, मुझे दही चावल बहुत पसंद है, खाओ ना। वाओ, कितना टेस्टी है। क्या कहा, टेस्टी है? भगवान पे चढ़ाने वाले अमृत की तरह। क्या कहा, अमृत की तरह? हमारे घर पे भी खाना बनता है, पर इतना टेस्टी नहीं होता। ला मुझे। लगता है ये दही चावल खाने के लिए मुझे आपके घर जरूर आना पड़ेगा। कितना खुश नसीब है यार ये। क्या हुआ आपको, मैं आपके घर नहीं आ सकती क्या? मैडम आप कभी भी आ सकती हैं। लेकिन जिन्हें बुलाना चाहिए वो तो खामोश है। क्या हुआ, बहुत तीखा है क्या? तीखा नहीं है मैडम, आपकी बातें सुन के ना मेरी आंखें भर आईं। हेलो। हाँ मैडम। मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया? नहीं मैडम, आपका हमारे एरिया में आना सही नहीं होगा। ये डिसाइड करना मेरा काम है। नमस्ते भाई। आओ राजंगम। दो तीन दिन से आपसे मिलने के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। आपके ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि आप जिम में हो, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मिलकर क्या फायदा राजंगम, दो बार मौका गंवा दिए हो तुम। वो मेरा बुरा समय था भाई, बस 1000-2000 वोट से फिसल गया मैं, ये तो आप भी जानते हैं ना। लेकिन इस बार मात नहीं खाऊंगा भाई। भाई एक चांस और, कैसे जीतता हूँ आप देखना भाई। बस इस बार तो तुम्हारे और मेरे नाम पर बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं, और इतना ही नहीं, कच्ची के हेड ऑफिस तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज भी हैं। पहले वो सब ठीक करो। तो क्या हुआ भाई, सब सही कर देंगे, इसी की तैयारी के साथ आया हूँ मैं। कार में रखा है उसे, बस एडवांस समझ लीजिए भाई, इलेक्शन के समय बहुत बड़ा अमाउंट दूंगा भाई। राजंगम मैं तुमसे जो ले रहा हूँ वो जनता के लिए है, कल तुम जो नहीं कर पाओगे वो मुझे ही करना होगा ना। बड़ा आया करने वाला। क्यों, मैंने सही कहा ना? सही है भाई। दो बार तुमने काम खराब कर दिया, इस बार ठीक से प्लान करके पैसों की परवाह किए बिना जीतने की कोशिश करना। पक्का भाई पक्का। अब मैं चलूं क्या भाई? मेरा ड्राइवर बाहर ही है, तुम्हारी कार में जो चीज है वो बिना भूले मेरी कार में रखवा देना, ठीक है? ठीक है भाई ठीक है। जुग जुग जियो भाई, जुग जुग जियो। हेलो सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, क्या बात है? कुछ नहीं सर, पूर्व सिग्नल के पास एक अच्छा लैंड है सर, 1 एकड़ का होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बताइए आप, या फिर किसी और से बात करता हूँ। नहीं अनबू, मैं ले लूंगा, उस लैंड के बारे में और किसी से बात मत करना। ओके सर, एकदम सही रेट लगाकर काम करवा के दे देना, ठीक है? सारा काम करके तब मुझे बताना। जरूर सर, पक्का बताऊंगा सर। ये फोन भी हमेशा बजते रहता है। माँ क्या हुआ, कितनी देर से आपका फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं है? यहाँ पे सबको समय पे खाना चाहिए, अगर फोन अटेंड करूंगी तो ये काम कौन करेगा, जाके तुम रिसीव कर लो। ठीक है उठाती हूँ। हेलो। नमस्ते मैडम। कौन? ये राजंगम सर का घर है ना? हाँ, आप कौन? मैं आरआर कंस्ट्रक्शन से कॉल कर रहा हूँ मैडम। सर नहीं है क्या, उनसे एक लैंड के बारे में बात करनी थी। तो आपको उन्हें कॉल करना चाहिए था ना? मैंने ट्राई किया था मैडम, लेकिन आउट ऑफ रीच है, इसीलिए लैंडलाइन पर कॉल किया है, उनसे अर्जेंटली बात करनी है। ओ मैडम आप? मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। ठीक है मैडम, इन केस सर आ जाएं तो उन्हें बता दीजिएगा मैंने कॉल किया था। हाँ ठीक है, मैं उनको बता दूंगी। ओके मैडम, थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? अनबू, अनबर हसन। अंबू या अनबर है? अनबर हसन मेरा पूरा नाम है, लेकिन अंबू बताएंगी तो सर पहचान जाएंगे। मैडम आपका नाम? मीना,
मीना लोक्षणी, शॉर्ट में मीना कह सकते हैं। वेरी नाइस नेम मैडम। आपके और मेरे नाम का एक कॉमन मैच है, आपको बताऊं? लव ना? कैसे? आपका नाम है अनवर हसन, अम्बो मतलब लव, मेरा नाम है मीना लोक्षणी और लोक्षणी का मतलब लव। हाँ करेक्ट मैडम। ठीक है मैडम, पापा आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, बता दूंगी। लव ना? आपका नाम है अनवर हसन, अम्बो मतलब लव, मेरा नाम है मीना लोक्षणी और लोक्षणी का मतलब लव। भाई सर दर्द हो रहा है, एक गर्मा गर्म चाय पीकर आए क्या? हे गर्मा गर्म चाय पीकर आए क्या? क्या कहा तूने? गर्मा गर्म चाय पीकर आए क्या? क्या कहा तूने? क्या बोला क्या बोला? गर्मा गर्म चाय पीकर आए क्या? हाँ चलते हैं ना। यार चाय कॉफी नहीं चाहिए, जाकर फ्रेश जूस पीकर आते हैं। क्या यार? फ्रेश जूस पीकर आते हैं। क्या बोला क्या बोला, जरा फिर से बोल। अरे फ्रेश जूस पीकर आते हैं, समझ में आया क्या? हाँ पीते हैं ना। इतनी देर में सुनाई पड़ा? ए भाई मुझे लगता है कि इससे कुछ हो गया है यार। भाई हाँ। ये बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है यार। अम्बू तुझे कुछ हुआ है क्या? यार सुबह से दिल से एक आवाज सुनाई दे रही है। दिल से आवाज सुनाई दे रही है? हाँ यार, लोगों को तो कानों से सुनाई देती है। ह्यूमर तुझे नहीं समझेगा, तो अपना काम कर। लगता है इस पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, चल इसे मंदिर लेकर चलते हैं। क्या डरा रहा है बे? ए, भूत वगैरह भगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर चलते हैं और फ्रेश चाय मारते हैं। क्या कहा, चाय मारते हैं? हाँ इसका फ्रेम भी बहुत प्यारा है। हाँ दोनों साथ में बनवाया है, ये कृष्णा फ्रेम। ए मास्टर चार चाय। भाई शक्कर थोड़ा कम डाला। हाँ तो उठाना, मैं दे रहा हूँ ना यार, रुक जा ये पकड़ पी। चाय की उधारी बढ़ती जा रही है भाई। अरे रुक जा अभी देता हूँ ना, कितना हुआ? ए रुकना, क्या कर रहा है? भाई मैं देता हूँ ना यार। हे क्या चिल्ला रहे हो यार तुम लोग, मैं देता हूँ। अरे भाई कोई भी दे दो ना यार। बता भाई कितना हुआ, मैं देता हूँ तुम्हें। कुल मिलाकर 3,445 रुपए हुए हैं। सुन लिया ना? क्या 3,445 रुपए? चाय पीने के बाद मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। हर दिन हर बार ऐसे ही बोलते हो, देता हूँ लेकिन कोई नहीं देता है। हे क्या तुम लोग आपस में उलझते हो? अनबू तू दे दे यार। हे अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है आप ये कब तक दे पाएंगे? परसों तक तैयार हो जाएगा। ठीक है तो मैं परसों आती हूँ, तैयार कर दीजिएगा। तैयार हो जाएगा। अरे यार इतने पैसे कहाँ से देंगे? अरे मैं कहाँ से लाऊंगा? बाद में दे देंगे बोलना। चाय तो वैसे अच्छी बनी है। सही कहा। क्या भाई कैसे चाय पीना पड़ रहा है? जानने दे चाय पीना। इस महीने का अकाउंट तुझे ही देना है ना? कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। ट्रैफिक हवलदार से यही बच के भागा था ना, देखो उसे देखना बंद कर। हाँ ठीक है तू दे दे। हे क्या तुम दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हो? हे अनबू क्या है यार, वो दोनों लड़कियां तुझे घूर रही हैं। हाँ ये दोनों लड़कियां? हाँ तू जानता है क्या? अरे नहीं यार, उस दिन रोड किनारे एक औरत की हेल्प ली थी ना यार। हाँ तो शायद वही लड़की। अगर बात करनी है तो जाके करना। ए क्या बकवास कर रही है, मैं क्यों बात करूँ, चल चलते हैं। के लिए तुझे घूर क्यों रही है? मुझे नहीं पता, तुझे जानना है तो पूछ ले। ए, मैं पूछ के आ सकता हूँ समझा? ए मेहरबानी करके जा, अगर पैसे हैं तो मांग कर ले, हमारा काम हो जाएगा। भाई आज कौन पैसा दे रहा है, इसका फैसला हो गया क्या? भाई कल सेटल करते हैं। ठीक है ना, तुम जैसे चार लोग और आ गए ना तो मेरी दुकान बहुत तरक्की करेगी। बाय बॉस। चल जल्दी कर। क्या यार तू इतनी टेंशन में क्यों है? ए ऐसी कोई बात नहीं है। टेंशन में क्यों नहीं होगा, ओनर की बेटी से पटाने के लिए इसके पीछे पड़ी हुई है, वहाँ तो यही ओनर है। इससे वहाँ कितनी इज्जत मिलती है पता है? हमारे घर का दही चावल उससे अमृत लगता है यार। और ये है कि कंपनी में आए कस्टमर की बेटी की आवाज फोन पर ही सुनकर फिदा हो गया है। भाई पहाड़ी से शहद आकर खुद तेरे मुँह में टपक रहा है, तो ये बता तू उस शहद के पीछे क्यों भाग रहा है? नहीं यार, इस मुकाम पर लाने वाले मेरे बॉस को मैं धोखा नहीं दे सकता। उस लड़की से बात करके डिस्टर्ब जरूर हुआ हूँ, पता है उससे बस एक ही बार बात की है, पर बात करने के बाद बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। अब तू देखना उसे तो खुद वापस फोन करेगा, उसका बाप फोन नहीं उठाएगा वही फोन उठाएगी, और ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाएगा, देख लेना। ऐसी बात है क्या? वो जब होगा तब देखा जाएगा, अभी सो जाते हैं, चटाई निकाल। ये क्या चुभ रहा है, ये तो वहां मिला था ना? ये तुझे कहां मिला यार? एक कस्टमर ने अपने घर का पुराना सामान बेचा था, वहीं पर मिला था मुझे, इसे ब्लूटूथ समझकर मैंने ले लिया। ये तो बटन कैमरा है,
स्पाई कैमरा की तरह किसी के बटन में फिट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये ब्लूटूथ नहीं है क्या? ए, ये कैमरा है यार, काम करता है कि नहीं देखते हैं। हे, ये तो काम कर रहा है यार, इसे संभाल कर रख देता हूं। कभी ना कभी तो यूज में आएगा।